फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिंपल सी कफ स्लीव बनाना बता रही हूँ, जिसे हम आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने जो अपनी आर्म ली हुई है, इसकी लंबाई है 15.5, 15.5 इंच ली है फ्रेंड्स। मैंने आधा इंच मैंने सिलाई के लिए लिया है इसमें। तो जैसे इसका हमारा आर्म होल है 7 इंच हम तैयार रखेंगे, तो 7 इंच आर्म होल के बाद मैंने यहाँ पर 1 इंच सिलाई के लिए लिया है, और जहाँ पर ये 4 इंच जो कपड़ा लिया है मैंने, इसके हम प्लीट्स डालेंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स, इधर भी 4 इंच मैंने प्लीट्स के लिए लिया हुआ है, और 1 इंच कपड़ा मैंने सिलाई के लिए लिया हुआ है, और 5 इंच हम मोरी तैयार रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये प्लीट डालकर अपनी आर्म को रेडी कर लिया है। दोनों साइड मैंने ये प्लीट्स डाल लिए हैं। अब हम फ्रंट साइड कफ लगाएंगे। तो कफ के लिए मैंने ये 2 इंच कपड़ा लिया है, 2 इंच बुकरम का पीस मैंने इसके अंदर डाल के इसको तैयार कर लिया है। अब हम इसको जो फ्रंट साइड है, इस साइड को तो हम इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे, और जो ये नीचे वाली साइड है, इसको हम इसके साथ इस तरह से स्टिच कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे रेडी कर लिया है। तो इस साइड हम इसे प्रेस मारकर अच्छे से बिठा देंगे, ताकि ये फिनिशिंग से हमारा तैयार हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, प्रेस मारने के बाद हम इसको इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पर स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर लेस लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स, ये रहा मेरी स्लीव का फाइनल लुक। आप कमेंट करके बताना कि आपको ये कफ स्लीव का इजी मेथड कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें।